हेलो बच्चों, क्लास 12th ITF एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने कर लिया था। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में है, इस माने 11 के पहले लिखा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, मीन्स इन सब की वैल्यूज निकालनी है। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन में आप लास्ट से स्टार्ट करिए। यहाँ लिखा है साइन इनवर्स 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताइए। साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री। 30 डिग्री मीन्स 5/6। तो साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पे ये सब एज इट इज लिख लीजिए। साइन इनवर्स 1/2 के प्लेस पे 5/6 लिख दीजिए। तो ये 2 से 6 कैंसिल, 3 बच गया। नाउ टेन इनवर्स 2 cos π/3। अब नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos π/3? cos π/3 की वैल्यू 1/2। cos π/3 मतलब 60 डिग्री। cos 60 मतलब sin 30। sin 30 मीन्स 1/2। नाउ टेन इनवर्स 2 cos π/3 की वैल्यू 1/2। 2 से 2 कैंसिल। अब बच क्या गया? टेन इनवर्स 1। अब 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है? 10 में 1 होती है 45 डिग्री, मींस पाई अपॉन 4। तो आवर आंसर इज π/4, करेक्ट। नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हैं। नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ cot tan इनवर्स प्लस cot इनवर्स a। तो एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, आप याद करिए, उसमें हम आपको लिखवाए थे कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू π/2 ना। tan और cot इनवर्स सम रहे, एंगल सेम रहे, तो वैल्यू क्या आएगा? π/2। इसका प्रूफ भी हम आपको कराए हैं। तो यहां से इसके प्लेस पे हम π/2 लिख सकते हैं। अब cot π/2 की वैल्यू रख दीजिए। cot π/2 कितना होगा? cot π/2 मीन्स cos π/2 अपॉन sin π/2। डायरेक्ट जिसको वैल्यू याद है याद कर ले, नहीं तो साइन कॉस के हेल्प से ही सब वैल्यू आप लोग लिख सकते हैं। cos π/2 की वैल्यू 0, sin π/2 की वैल्यू 1, तो 0/1 0, करेक्ट। नोट कर लीजिए, कितना इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, टेन 1/2 ब्रैकेट में साइन इनवर्स 2x अपॉन 1+x² प्लस कॉस इनवर्स 1-y² अपॉन 1+y². यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, दो वेरिएबल है, x है एक y है। तो इसमें जब हम सपोज करेंगे, जाहिर सी बात है सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज करना पड़ेगा कुछ, तो हम x को भी सपोज करेंगे, y को भी सपोज करेंगे। x को हम सपोज कर लिए tan थीटा और y को सपोज कर लिए tan phi। क्यों सपोज किए tan थीटा? देखिए आप अभी क्लियर होगा, अगर हम यहाँ tan 1/2 है, ये तो यह है, यहाँ पे tan थीटा रख दें तो sin इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1+tan²θ हो जाएगा। और यहाँ पे y के प्लेस पे tan phi रख दें तो 1-tan²φ अपॉन 1+tan²φ ये हो जाएगा। ऐसा हम इसलिए किए क्योंकि ये जो चीज दिख रहा है ये किसका फार्मूला हो जाएगा? ये किसका फार्मूला है? 2 tan θ / 1+tan²θ, sin 2θ। इसी एक्सरसाइज में हम आपको ये फार्मूला बताए हैं, एक क्वेश्चन में आया था। और ये किसका फार्मूला है? cos 2θ, करेक्ट। तो ये आ गया tan 1/2। अब साइन इनवर्स साइन 2θ, तो ये हो जाएगा 2θ और यहाँ पे फाई है तो ये 2φ, 2 कॉमन लेके कैंसिल हो गया तो बच गया tan थीटा प्लस फाई। कोई डाउट? हम यहाँ तक पहुँच गए tan थीटा प्लस फाई तक। अब इसके बाद का स्टेप देखिए, इसके बाद का स्टेप हम यहाँ ऊपर कर देते हैं। tan थीटा प्लस फाई, चलिए यहां तक हम लोग पहुंच गए tan थीटा प्लस फाइव। अब नाउ tan थीटा प्लस फाइव को
tan theta plus tan phi upon 1 minus tan theta into tan phi लिख सकते हैं। tan theta की वैल्यू x है, tan phi की वैल्यू y है, पुट कर दें तो x plus y upon 1 minus xy, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका मेन पॉइंट क्या था, आप x की जगह क्या पुट करें, और ये तभी आप समझ पाएंगे जब आपको फॉर्मूला याद हो, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है 2x upon 1 plus x square देखते ही आपको याद आना चाहिए। अगर x की जगह tan थीटा रहता है sin 2 थीटा बन जाता, और बाहर sin इनवर्स है तो अंदर हमें sin लाना ही लाना है ना, तो फॉर्मूला जितना ज़्यादा याद रहेगा आप लोग समझ पाएंगे कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हम क्वेश्चन नंबर 14 में x की वैल्यू फाइंड करनी है। आप क्वेश्चन पढ़ लें, लिखा है इफ साइन इन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 देन फाइंड x। तो मींस हमारे पास ये गिवन है साइन साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1 गिवन है, करेक्ट। तो ये साइन हम हटा दें तो उस साइड साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, इसको तो एज इट इज लिख दिए, ये साइन हटा तो उस साइड साइन इनवर्स 1 हो गया। अब नाउ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x, साइन इनवर्स 1 मतलब साइन में 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2 की, तो ये पाई बाई 2 हो गया, करेक्ट। अब नाउ साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x को उधर ट्रांसफर कर दें तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब एक प्रॉपर्टी था साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो यहां से अगर कॉस इनवर्स x को उधर ट्रांसफर करें हम तो साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मिलेगा पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x, मींस पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x के प्लेस पे हम साइन इनवर्स x लिख सकते हैं। तो नाउ नेक्स्ट स्टेप विल बी ये साइन इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। Now comparing both sides we get x is equal to 1/5 ना, ये क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोग को, इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 15 है। तो इसमें भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, tan इनवर्स x माइनस 1/(x-2) प्लस tan इनवर्स x प्लस 1/(x+2) इज इक्वल टू पाई बाई 4, करेक्ट है। तो इसमें अगर हम फॉर्मूला ये वाला लगाएं, tan इनवर्स a प्लस बी आएगा tan इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा ना, tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b, तो फॉर्मूला लग जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, ए फॉर्मूला लगेगा, ए के प्लेस पे ये, बी के प्लेस पे ये। चलिए फॉर्मूला लगा देते हैं। अब आप कहेंगे सर फॉर्मूला ये तो तभी लगेगा जब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 हो, इसका इसका प्रोडक्ट लेस देन 1 हो। तो देखिए या तो इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 1 करके एक इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लें और फिर इस फॉर्मूला से x की वैल्यू निकाल लें, देखें कौन किसको सेटिस्फाई कर रहा है। या तो इस डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएं, एक्स की अगर एक या दो वैल्यू जितनी भी वैल्यू आती है उसको इक्वेशन में रख के सेटिस्फाई करा लेंगे, एलएचएस में रखेंगे, राइट हैंड साइड अगर आ रहा है, जैसे सपोज इस फॉर्मूले से हम सॉल्व किए और एक्स की दो वैल्यू आ गई, तो जरूरी नहीं कि दोनों आंसर हो जाए, और ये भी जरूरी नहीं कि दोनों ना हो, मीन्स हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। इसके लिए आपको दोनों वैल्यू को उठा के लेफ्ट हैंड साइड में रखना होगा और देखना होगा राइट हैंड साइड आ रहा है कि नहीं। तो
तो वैल्यू हम निकाल दे रहे हैं, बाकी आप दोनों में सेटिस्फाई कर लीजिएगा। अगर दोनों सेटिस्फाई करेगा तो दोनों आंसर, एक सेटिस्फाई करेगा तो एक आंसर, दो वैल्यू आएगी। तो यहाँ चलिए फॉर्मूला में रखते हैं, x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, x प्लस वन अपॉन x प्लस टू अपॉन वन माइनस x माइनस वन अपॉन x माइनस टू, x प्लस वन अपॉन x प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाई फोर। टेन इनवर्स उस साइड जाएगा, टेन पाई बाई फोर हो जाएगा, ये हो जाएगा टेन पाई बाई फोर, करेक्ट है। अब यहां इसका एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो एक्स प्लस टू का मल्टीप्लाई इसमें कर दें डायरेक्ट। देखिए हम कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू अपॉन एलसीएम जो आएगा, यहां भी एलसीएम से कट जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर, और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस वन, बट ये माइनस के कारण ब्रैकेट अगर हटेगा तो ये प्लस वन हो जाएगा। कैलकुलेशन अब अपने से करिएगा, फिर मैच कराइएगा। यहां देखते हैं ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो गया, प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स से, प्लस एक्स माइनस एक्स से, बचा गया एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर, माइनस टू माइनस टू माइनस फोर, और माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू वन। देखिए कितना आसान हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये देखिए हम ऊपर लिख रहे हैं, ये हटा दे रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टू एक्स स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस थ्री, माइनस फोर उस साइड जाके प्लस फोर हो जाएगा, तो फोर में से थ्री गया वन, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वन बाई टू, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन बाई रूट टू। हालांकि ये दोनों सेटिस्फाई कर रहा है तो ये दोनों आंसर होगा, आप चेक भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा प्लस माइनस वन बाई रूट टू। तो देखिए कितना आसान है, बस आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आप ये एक्सरसाइज 2.2 आपके लिए कुछ भी नहीं है, वेरी सिंपल एक्सरसाइज, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें टेन है, ब्रैकेट में साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2। 16-17 प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड पे था, तो 2.1 में तो आप लगाए हैं, आप लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ये 18 हम बता दे रहे हैं, फिर 19 भी शायद उसी पे है, प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड पे है। तो 18 देख लेते हैं और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे साइन इनवर्स 3/5 प्लस कॉट इनवर्स 3/2 है, तो हमें इस साइन इनवर्स और कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना होगा, क्योंकि बाहर क्या लिखा हुआ है टेन। तो जब टेन इनवर्स में आ जाएगा तो हम टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो टेन और टेन इनवर्स हट जाएगा। अब यहां पे हमें सीखने वाली बात क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 3/5 को टेन इनवर्स में क्या लिख सकते हैं। तो आप बताइए साइन में रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब ये होगा हमारा परपेंडिकुलर और ये होगा हाइपोटेनस। और तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा फोर। अच्छा अब टेन का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो में, पी अपॉन बी, तो पी तो हमारा थ्री ही है और बेस कितना आ गया फोर, बेस फोर निकल जाएगा ना पाइथागोरस थ्योरम से, तो हाइपोटेन्यूज क्या आ गया 3/4, अरे ये टेन इनवर्स क्या आ गया 3/4। तो टेन साइन इनवर्स 3/5 के प्लेस पे हम पुट कर दिए टेन इनवर्स 3/4, कितना इजी। अब नाउ कॉट इनवर्स 3/2 है, इसको टेन में बदलना है, तो ये तो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े हैं, याद करिए कॉट इनवर्स एक्स को टेन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं कि नहीं, या टेन इनवर्स एक्स को कॉट इनवर्स 1/x। तो कॉट इनवर्स को अगर टेन इनवर्स में बदलेंगे तो यहां पे जो वैल्यू होगा वो रेसिप्रोकल हो जाएगा उसका, तो 3/2 से क्या हो गया 2/3। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, टेन टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - a × b, तो ए प्लस बी अपॉन 1 - a × b, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिए।
अब नाउ 10 वर्स 10 तो हट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 4 2 जा 8, 9 और 8 17 और 4 3 जा 12, एलसीएम लेंगे तो 12 3 2 जा 6, 12 में से 6 दिया। नाउ दिस इज द आंसर। देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं एक्सरसाइज में का, नोट कर लीजिए। ये देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो सिंपली है साइन पाई बाई 3। बताइए साइन इनवर्स का माइनस बाहर आ जाता है, प्रॉपर्टी हम आपको पढ़ा चुके हैं, साइन इनवर्स माइनस एक्स रहे तो माइनस साइन इनवर्स एक्स हो जाता है, करेक्ट। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बच जाएगा साइन इनवर्स 1/2। अब नाउ साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, 30 डिग्री माइनस पाई बाई 6। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 2π प्लस पाई, 2 प्लस पाई कितना हो जाएगा 3π बाई 6, 3 से 6 कैंसिल, तो बच क्या गया साइन पाई बाई 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन पाई बाई 2 इज 1। समझ में आया, एलसीएम हो गया 6, 3 2 जा 6 प्लस पाई, मतलब सही है। तो स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 2.2 भी आपका कंप्लीट हो गया, एक दो जो क्वेश्चन हम छोड़े हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू बेस्ड पे है, कर लीजिएगा। तो अब बच जाएगा मिसलेनियस, अगला वीडियो हम बनाएंगे, एक ही वीडियो बनाएंगे उस मिसलेनियस में, बड़े भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा जाए बट मिसलेनियस उस एक वीडियो में हम फिनिश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक्स, तब तक इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार देख के लगाइए, एक बार बिना देखे लगाइए, नोट्स बनाते चलिए। ओके बाय, कीप लर्निंग।